नमस्कार छात्र मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उसमें हम विश्वकोश थिसोरस परिचय डाकघर से संबंधित प्रपत्र पुस्तकालय का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में बात करेंगे, उसके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम विश्वकोश थिसोरस परिचय और उपयोग के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, ज्ञानकोश किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है, ज्ञानकोश किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, कोश की एक विधा ज्ञानकोश के नाम से विकसित हुई है। इसके भी कई प्रकार और पद्धतियां है, चरित कोश, कथा कोश, इतिहास कोश, ऐतिहासिक काल कोश, जीवन चरित्र कोश, पुराख्यान कोश तथा पौराणिक ख्यात पुरुष कोश आदि ज्ञान कोश के अनेक विधाएं है। दूसरा प्रश्न, शब्दकोश किसे कहते हैं? प्रश्न, शब्दकोश किसे कहते हैं? उसका उत्तर है, शब्दकोश शब्दों की एक ऐसी बड़ी सूची या ग्रंथ होता है जिसमें शब्दों की मानक वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, उच्चारण, अर्थ, व्याकरण, निर्देश, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश होता है। तीसरा प्रश्न है, शब्दकोश का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न, शब्दकोश का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, मनुष्य को अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए सही अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्दों का चयन आवश्यक होता है। सही शब्द चयन के लिए शब्दों का संकलन तथा शब्दों के मानकीकरण की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें एक साथ शब्दकोश में मिलती है, इसीलिए शब्दकोश का उपयोग किया जाता है। अब हम डाकघर से संबंधित प्रपत्र के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, स्पीड पोस्ट क्या होती है? प्रश्न है, स्पीड पोस्ट क्या होती है? उत्तर, भारत में पत्रों, दस्तावेजों और पार्सलों को तीव्र गति एवं समयबद्ध वितरण सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई है। स्पीड पोस्ट ने एक नए युग की शुरुआत की है। स्पीड पोस्ट के द्वारा 25 रुपये की दर से पूरे देश में कहीं भी किसी भी स्पीड पोस्ट बुकिंग केंद्र से डाक भेजी जा सकती है। स्थानीय स्पीड पोस्ट की सुविधा भी स्पीड बुकिंग केंद्र में उपलब्ध है। दूसरा प्रश्न है, डाकघर किसे कहते हैं? प्रश्न, डाकघर किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, डाकघर भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वह कार्यालय है जो जनता को मेल, पार्सल, धन हस्तांतरण, बैंकिंग, बीमा तथा अन्य खुदरा सेवाएं तेज गति से विश्वसनीयता के साथ उपलब्ध कराता है। हमारे देश में कुल 155,015 डाकघर है। तीसरा प्रश्न, पोस्ट कार्ड क्या होता है? प्रश्न है, पोस्ट कार्ड क्या होता है? उत्तर देखिए, पोस्ट कार्ड 14 सेमी बाय 9 सेमी लंबाई चौड़ाई का कार्ड होता है जिस पर खुला संदेश लिखा जाता है। यह दो किस्मों में उपलब्ध होता है, एकल और जवाबी पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड केवल भारत के अंदर ही प्रेषित किए जाते हैं। चौथा प्रश्न है,
अंतरदेशीय पत्र किसे कहते हैं? प्रश्न है, अंतरदेशीय पत्र किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, अंतरदेशीय पत्र डाकघर से मिलने वाला पत्र होता है। पत्र भेजने वाला व्यक्ति इसे पत्र पर अपना संदेश लिखता है। अंतरदेशीय पत्र कार्ड के 3 फ्लैप होते हैं, 2 फ्लैप बाई और दाई और तथा 1 ऊपर की ओर होता है। यह पत्र एक तरफ से खुला होता है। इसका प्रयोग केवल भारत में पत्र व्यवहार के लिए किया जाता है। आगे पुस्तकालय का महत्व एवं उपयोगिता के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, पुस्तकालय ज्ञान का भंडार क्यों है? प्रश्न, पुस्तकालय ज्ञान का भंडार क्यों है? उत्तर, पुस्तकालयों में विभिन्न विषयों की श्रेष्ठ अद्यतन सार गर्भित एवं उपयोगी पुस्तकें संग्रहित होती है। इनके अलावा पुस्तकालय में अनेक दुर्लभ ग्रंथ भी होते हैं। पाठक इन पुस्तकों से ज्ञानार्जन करते हैं, इसीलिए पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। दूसरा प्रश्न, पुस्तकालय पुस्तकों के आलय क्यों है? प्रश्न, पुस्तकालय पुस्तकों के आलय क्यों है? उत्तर, पुस्तकालय में व्यवस्थित ढंग से बहुत सारी पुस्तकें रखने का पर्याप्त स्थान होता है, इसीलिए पुस्तकालय पुस्तकों के आलय है। इस वीडियो में हमने 3 विषयों के बारे में बात की। अस्तु।